सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे वीडियोस सबसे पहले देखिए। अगर आप एक डांसर हो, अगर आप उन लोगों में से हो जो नया नया डांस सीखना चाहता है, आप रियलिटी शोज देखते हो या फिर किसी यूट्यूब वीडियो को देख के आप इंस्पायर होकर डांस सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि डांस वर्कशॉप क्या है। डांस वर्कशॉप जो इंटेंसिव टाइम आप देते हो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, आपको ये करना चाहिए कि नहीं। ये वीडियो सिर्फ डांस वर्कशॉप के बारे में है, पूरी डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ये वर्कशॉप, ये डांस का जो एस्पेक्ट है आपके लाइफ में, बहुत इंप्रूव करेगा आपका डांसिंग लाइफ को। तो डांसिंग में आप जो भी बनना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स बिगिन। सबसे पहले, व्हाट इज डांस वर्कशॉप? डांस वर्कशॉप एक इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जैसे कि वो पहले नहीं था, अभी 2017 से ही चलता आ रहा है। मैंने भी पार्टिसिपेट किया है डांस वर्कशॉप्स में, और पर्सनली आई एम टेलिंग, मुझे पहले ऐसा लगता था कि अरे यार, डांस वर्कशॉप्स में ऐसा क्या नया सिखाया जाएगा जो मुझे नहीं पता है। मुझे तो सब कुछ पता है, मेरे पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, ट्यूटोरियल्स दे के मैं सीख सकता हूँ, ना ही मैं कोई क्लास ज्वाइन किया है, ना ही मेरे पास पैसा है सब अफोर्ड कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली आपको बस अपना मेंटेलिटी चेंज करना है। डांस वर्कशॉप ऐसा चीज़ होता है, अगर आप पहली बार एक्सपीरियंस करोगे, आप खुद बोलोगे कि जो मेरा सोच था इसके ऊपर, वो पूरा गलत था। पहले मैं सोचता था कि ये डांस वर्कशॉप्स अटेंड करना वर्थलेस है, क्यों मैं 2 घंटा का इतना पैसा दूँ, क्यों मैं उस पैसे से पूरे महीने क्लास क्यों ना करूँ। लेकिन वो जो 2 घंटे में जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस और जो वाइब आपको मिलता है, वो पैसे से भी बहुत वैल्यूएबल है, वो पैसे से भी बहुत कीमती है, मैं बोल रहा हूँ। तो इसीलिए इस इंटेंसिव टाइम को डांस वर्कशॉप बोलते हैं, और डांस वर्कशॉप बहुत फेमस है आजकल। आजकल तो इतना फेमस ही हो गया है, बहुत सारे क्लासेस इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि इस इंटेंसिव टाइम में जो आपको सिखाया जाता है, वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअलाइज होता है, बहुत ही प्री ऑर्गेनाइज्ड होकर बहुत ही प्रिसाइसली आपको समझाया जाता है, आपको सिखाया जाता है। तो वर्कशॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो दूसरा फायदा है डांस वर्कशॉप को पार्टिसिपेट करने का, वो है नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड डांसर। क्योंकि जो डांस एकेडमीज, डांस वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को फैकल्टी देते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं सिखाने के लिए, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो लोग ऑलरेडी उनको अचीवमेंट मिल चुका है, जो लोग फेम्ड हैं, जो लोग पॉपुलर हैं, जो लोग टीवी पे, रियलिटी शो पे काम कर चुके हैं, तो उन लोगों को बुलाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर एक डांसर जो कि फुल्ली एक्सपीरियंस्ड है, उसे टाइटल मिल चुका है, उसे बहुत अचीवमेंट्स मिल चुका है, ऑब्वियसली वो वही शेयर करेगा जो उसके साथ हुआ था। वो आपका जर्नी को ठीक से जज कर पाएगा, क्योंकि उसका जो जर्नी है बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है, उसका जो जर्नी का स्टोरी है, अगर वो आपके साथ शेयर करेगा, आपको वो स्टोरी आप खुद ऑब्जर्व करोगे अपने अंदर, और आपका जो जर्नी रहेगा, आपका फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, वो जो जर्नी रहेगा, वो जर्नी में ये जो मोटिवेशन है बहुत हेल्पफुल होगा, आपका जर्नी बहुत ही हल्का हो जाएगा, और जो रेट से आप इंप्रूव करोगे, आप खुद बोलोगे कि हाँ, मेरा जो ओर्थ टाइम था, मैंने ठीक ठीक सही तरीके से मैंने स्पेंड किया है वर्कशॉप में, ज्वाइन करके वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करके। और एक चीज़ आपको मिलता है डांस वर्कशॉप में, वो है सराउंडिंग्स और माहौल। एक ऐसा माहौल आपको मिलेगा वहाँ पे, जो माहौल आप कभी भी नहीं पाओगे अपने अंदर, क्योंकि अगर आप किसी क्लासेस में जाके सीखते हो या फिर अकेले प्रैक्टिस करते हो, आपको वैसा माहौल कभी भी नहीं मिलेगा जैसा माहौल आपको एक डांस वर्कशॉप में मिलेगा। क्योंकि डांस वर्कशॉप में क्या होता है, बहुत 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 जगहों से लोग आते हैं, आउट स्टेशन से आते हैं, लाइक अदर स्टेट से आते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जो लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं, उनका जो मेंटालिटी है, उनका जो स्टाइल है, उनका जो नॉलेज है, सब अलग अलग होगा। तो उनके साथ अगर आप सराउंडिंग्स, उनके अंदर, उनके पास सराउंडेड अगर आप होकर आप कुछ सीखोगे, तो जो वाइब मिलता है ना, जो एनर्जी मिलता है, वो कुछ अलग लेवल का ही होता है। तो सराउंडिंग्स और माहौल एक बहुत ही बेस्ट चीज़ है जो आप डांस वर्कशॉप्स में पाओगे। और यहाँ जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, जो सबसे फेवरेट फ़ायदा है डांस वर्कशॉप को ज्वाइन करने का, वो है मीटिंग न्यू पीपल एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। आप अलग अलग लोगों से बातचीत कर पाओगे, अलग अलग लोगों को मिल पाओगे, उनके साथ दोस्ती बना कर रख पाओगे, उनके साथ कनेक्ट हो पाओगे, क्योंकि
ये जाहिर सी बात है, अगर आपको डांस पसंद है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके सराउंडिंग्स में भी वैसे ही लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करें, जो आप करते हो वो सब करें। क्योंकि ये बहुत, ये जो बात है ना पैशन, ये जो डांस को लेके एक जज्बा होता है वो बहुत कम लोग में होता है। अगर आपको, आपके अंदर वो जज्बा है जो आपको हमेशा सपना दिखाता है, वो जो जज्बा आपके अंदर छुपा हुआ है, वैसा जज्बा किसी के पास होता नहीं है जो सराउंडिंग्स में आप रहते हो। ना कि कोई इम्प्रूव करने वाला होता है, ना कि कोई सपोर्ट करने वाला होता है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर किसी डांस वर्कशॉप में आप जाकर पार्टिसिपेट करते हो, एनरोल करते हो, तो वहाँ पर वही लोग मिलेंगे जिसका सपना एक हो, जो सपना आपके पास है वही सपना उनके पास भी है, वही जज्बा वही पैशन उनका भी है। तो ऐसे में अगर आप उनसे बात करोगे, उनसे फ्रेंडशिप करोगे, उनका नॉलेज शेयर करोगे, आप मतलब अगर एक कोलाबरेट करोगे, तो ऐसे में आप खुद एक दूसरे को इम्प्रूव कर पाओगे। ऐसे में जो इम्प्रूवमेंट का स्केल होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही लार्ज होगा। तो ऐसे में आप खुद देख पाओगे कि आपका इम्प्रूवमेंट कैसा हो रहा है, और खुद सरप्राइज हो जाओगे कि अरे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जो कल्चर होता है हमारा सिर्फ यूनिटी से ही बढ़ता है। अगर हम ऐसे ही डांसर्स गदर हो जाए एक प्लेस में, यूनिटी हमारा स्ट्रांग हो, तो हमारा जो डांस का कल्चर है वो बहुत ही आगे बढ़ेगा। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है गेटिंग आउट फ्रॉम ए कम्फर्ट जोन, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना। क्योंकि अगर आप एक स्टाइल, पर्टिकुलर स्टाइल करते हो डांस में, उस पर्टिकुलर स्टाइल को अगर कोई कोरियोग्राफ करता है या फिर कोई आपको बताता है, तो आपको बहुत ईजी फील होता है उसको करने के लिए। बट अगर आपके स्टाइल से कुछ अलग कोई बताता है, उसको कैचअप कर पाना, उसको पकड़ कर म्यूजिकलिटी पे परफॉर्म कर पाना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वही चैलेंजिंग होता है, और वहाँ ही आपका वीक पॉइंट है। आपको समझना है कि आपका कंफर्ट जोन आपका पावर नहीं है, आपका पावर है आउट ऑफ कंफर्ट जोन, जो कि आपका वीकनेस है। आपके वीकनेस के ऊपर अगर आप काम करोगे, अलग अलग नया नया स्टाइल सीखोगे, नए नए स्टेप्स को ऑब्जर्व करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तब जाके खुद को इम्प्रूव कर पाओगे। अदरवाइज आप वही एक ही स्टाइल करते रह जाओगे और सब आगे निकल जाएंगे, आप बहुत पीछे रह जाओगे। ये जो मेंटालिटी है आपको चेंज करना है। क्योंकि यहाँ क्या होता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही जीत होता है। अगर आप डेयर करके खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तो आप ऐसा बन जाते हो, आप खुद को भी सरप्राइज कर दोगे। जो काम, जो इम्प्रूवमेंट्स आप खुद में लाओगे, आप खुद को सरप्राइज कर दोगे। तो गेटिंग आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। दिस इज़ ए बेसिक थिंग दैट एवरी बेसिक डांसर शुड डू। और एक जो खास बात है वो है मेमोराइजिंग कोरियोग्राफी क्विकली। आप वहाँ पे नोटिस करोगे, जब आप किसी वर्कशॉप पे ज्वाइन करोगे, आप खुद नोटिस करोगे कि जब मतलब जैसा आप खुद सीखते हो, खुद को ट्रेन करते हो, या फिर किसी क्लासेस में जाके सीखते हो, वर्कशॉप में क्या होता है, अगर कोई कोरियोग्राफर कुछ कोरियोग्राफी देता है नया, तो आप नोटिस करोगे कि जो बगल वाला होता है वो बहुत ही अच्छे से पकड़ता है म्यूजिकलिटी को, वो बहुत ही अच्छा से बिना भूले स्टेप्स को बहुत अच्छा करता है। और आप क्या करते हो, आप स्टेप्स को भूल जाते हो, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता है। जो इंटेंसिव वर्कशॉप है वो बहुत ही कम समय पर होता है, वो बहुत ही कम समय के लिए होता है। तो ऐसे में उनको सबको देखना होता है। तो ऐसे में आपको मैचअप करना है कि जो कोरियोग्राफी है वो ठीक ठीक से बिना भूले करना है। आप देखोगे वहाँ पर आपसे बहुत अच्छा आपके बगल वाले करते होंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। तो वो चीज़ भी आपको सीखना होगा। मेमोराइजिंग कोरियोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जल्दी आप कोरियोग्राफी को मेमोराइज करके करते हो बिना भूले, तब जाके आपको मतलब मेच्योरिटी मिलता है डांसिंग में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कोरियोग्राफी मेमोराइज करना है, और बहुत ही आपका जो मसल्स मेमोरी उसको शार्प करना है, ताकि आप अदर कंपिटिटर को हरा सको। और एक फायदा है डांस वर्कशॉप में ज्वाइन करने का, वो है इम्प्रूविंग योर ओन पेशेंस। जो लेवल का पेशेंस आपके पास होता है, जो भी आप करते हो, जो स्टाइल भी आप करते हो डांसिंग में, पेशेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर आप उस स्टाइल में, उस स्टाइल को करते वक्त आपका पेशेंस बहुत ही हाई लेवल का होता है, आपको लगता है कि हाँ मेरा पेशेंस बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही हाई है, बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ऐसा सच नहीं है, ये नहीं होता है। आप खुद वहाँ पर देखोगे जो डांसर्स सब होंगे, उनका पेशेंस का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो गया आपसे। तो वहाँ क्या होता है, उनका जो पेशेंस का लेवल आप देखोगे, वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि आप जितना सोचते थे उससे कहीं गुना, कहीं ज़्यादा ही उनके पास पेशेंस है।
तो पेशेंस को इम्प्रूव करने के लिए वर्कशॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको उनके साथ मैचअप करना है। अगर वो कंटिन्यूसली 2 आवर प्रैक्टिस करते हैं पसीना मतलब बहुत टायर्ड होकर, आपको उनके साथ मैचअप करना है, तो वहाँ पर उनका उनका जो पेशेंस का लेवल होता है, आपका जो पेशेंस का लेवल होता है, आपको उनके साथ मैचअप करना है। अगर आप मैचअप करोगे एक कंपिटिटिव माइंड रखकर, वहाँ आप खुद का जो पेशेंस है उसको इम्प्रूव कर पाओगे। और वर्कशॉप के बाद भी आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो आप उस माइंड सेट, आपका जो माइंड सेट है वैसा ही रख के प्रैक्टिस करोगे कि हाँ मुझे उतना ही प्रैक्टिस करना है जितना मेरा पेशेंस है उससे कहीं गुना ज़्यादा जो मैंने वर्कशॉप से सीखा। ऐसे में आप बहुत ही आसानी से आपका जो पेशेंस का लेवल है उसे बढ़ा पाओ। तो यही सब है बेसिक बातें डांस वर्कशॉप के बारे में। डांस वर्कशॉप बहुत ही अमेजिंग है। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाके डांस वर्कशॉप ज्वाइन करो अगर आप एक डांसर बनना चाहो। अगर आपको एक परफेक्ट डांसर बनना है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वर्कशॉप ज्वाइन करना है, क्योंकि वर्कशॉप में जो सब सीखने को मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता है। जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो पैसे से भी कहीं ज़्यादा गुना बड़ा होगा। तो डू नॉट वरी, अगर वर्कशॉप कहीं भी आपको मिलता है, लोकल हो चाहे नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो, ट्राई करो सारे वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि द मोर यू इम्प्रूव द मोर यू विल बिल्ड अप द बेस्ट इन यू। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपको पता नहीं होगा कि वर्कशॉप कहाँ होता है, कैसे होता है, कैसे पता चलेगा कि आप कैसे वर्कशॉप ज्वाइन करोगे, आपको अगर पता ही नहीं चलेगा कि वर्कशॉप कहाँ हो रहा है। तो ऐसे में आपको मैं बता दूँ कि मुझे जितना एक्सपीरियंस है नेशनल लेवल में इंडिया में 2 ही वर्कशॉप बहुत फेमस है, वो है सोल्स ऑन फायर और एक है डांस टुगेदर कैंप, DTC एंड सोल्स ऑन फायर। और एक बार बोल देता हूँ, डांस टुगेदर कैंप और सोल्स ऑन फायर वो बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जो आजकल बहुत ही इंटरनेट पे छाया हुआ है। तो उनका जो वर्कशॉप्स होता है वो बहुत ही अलग अलग सिटीज़ में होता है, अलग अलग जगह में होता है, आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, इंस्टाग्राम एक ऐसा बड़ा सोशल मीडिया है जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा इन वर्कशॉप के बारे में। आप फेसबुक में भी इनका पेज लाइक कर सकते हो, जो वर्कशॉप के बारे में मैंने रिसेंटली बताया, सोल्स ऑन फायर एंड DTC डांस टुगेदर कैंप, इनका फेसबुक में भी पेज है और इनका इंस्टाग्राम में भी पेज है। और एक जो पेज के बारे में बताना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम में एक पेज है जिसका नाम है डांस वर्कशॉप्स इन इंडिया। अगर उस पेज को आप लाइक करते हो, जितना भी लोकल, इंटरनेशनल या नेशनल वर्कशॉप्स होता है इंडिया में, आपको वो वर्कशॉप्स का इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली मिल जाएगा अगर आप उसको फॉलो करोगे तो। क्योंकि वो जो पेज है इंस्टाग्राम में वो बहुत ही सिर्फ वर्कशॉप को ही फोकस करता है। कुछ भी वर्कशॉप अगर हो रहा है डांस को रिलेटेड, डांस से रिलेटेड कुछ भी इवेंट हो रहा है तो वो पेज उसको फोकस करता है, उसको अटेंशन देता है, और उसका जो पोस्ट है डेली अपडेट करता है कि कैसा होगा, क्या होगा, कौन सा डेस्टिनेशन होगा, वेन्यू कहाँ होगा, प्राइस कितना है, स्टे या फूड है कि नहीं, स्टाइल्स कौन सा सिखाया जाएगा, कितने फैकल्टीज आएंगे सिखाने के लिए, कौन कौन आ रहा है सिखाने के लिए, इस सब के बारे में वो पेज अपडेट देता है। तो अगर आप जाओगे इंस्टाग्राम पे, उस पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उस पेज का नाम और एक बार सुन लीजिए, डांस वर्कशॉप्स इन इंडिया। अगर उस पेज को आप फॉलो करते हो, और ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये पेज का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो वर्कशॉप्स के बारे में मैं बताया, डांस टुगेदर कैंप और सोल्स ऑन फायर, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर लो। अगर आपको एक बेहतरीन डांसर बनना है तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और आज से ही स्टार्ट कर लो। अगर किसी भी वर्कशॉप्स अगर कोई भी वर्कशॉप्स हो रहा है आपके सराउंडिंग्स में, अब जाके आज ही ज्वाइन करो और आज ही एक नया एक्सपीरियंस पाओ खुद को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप प्रैक्टिस, नेवर गिव अप। आई विल सी यू लेटर विद अनदर वीडियो।